आत्मा और छप्पन को हमें जीने का मार्ग दिया और पूरे दुनिया को मालूम हुआ कि 2500 साल के बाद 2500 साल के बाद इस दुनिया में फिर से पुनर्जन्म हुआ। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन है और इसलिए हमें ये आगे रिवॉल्यूशन को कानून की मदद देने के लिए हमको तब्दील सर करना पड़ेगा। और इसलिए मैं सभी जाने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कैमरे पर उधर को उधर करो, कैमरे उधर करो, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, कैमरे उधर करो। ये मेरा आपसे आह्वान है, आपको बाबा साहब की शपथ है, अगर आप बाबा साहब का कार्य पूरा करने के लिए आए होंगे ये खुद से बढ़ डालो। अरे मैं हाथ का पेशेंट हूँ, मेरा हाथ पेशेंट हो चुका है, फिर भी मैंने शपथ ली है कि बाबा साहेब तुमने जो धर्म दिया उसको जब तक हम कानून की मान्यता नहीं देंगे तब तक मैं नहीं मरूंगा। तुम भी शपथ लो, हम बाबा साहब के कानून के लिए हम मर भी देंगे लेकिन सरकार को नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार हमारी मालक नहीं, ये हमारी नौकर है। ये बाबा साहब ने कहा था, ये हमको आज यह बताना है और इसलिए हमारा नारा वी आर सेपरेट, लेके रहेंगे बाबा का सपना पूरा करें। दोस्तों आंदोलन में लोग आना बहुत अच्छी बात हो सकती है, पॉलिटिकल पार्ट को लोगों को जमा करना कोई कठिन काम नहीं है। झंडे ऊपर करो, जो मांगनी का जो ये है फर्क है वो ऊपर करो। छत्रिया तुम बोलते होंगे तो मैं ये माइक उधर जाता, तुम इधर आ जाओ, ऐसा करेंगे क्या? बोलो, तुमको लग रहा होगा हम छाव में हैं, हम छाव में इसलिए है कि गलती से गाड़ी आ रहे हैं, गलती से हमारा अलग उद्देश्य था। कल के तारीख में ये दिल्ली में कोई धूप नहीं थी, बड़ा धूप नहीं थी। हो सकता कि भगवान बुद्ध बाबा साहब अंबेडकर सोच देखोगे कि मेरा सपना पूरा करने वाले कितने कितने तैयार है। और इसे दोस्तों हमारी दो घोषणा है, फिर से मैं दोहराऊंगा, सभी लोगों का हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर करना है। पूरी बार से फिर ऊपर 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 अपने जितने अपने स्लोगन के अपने नागरिक के जो तुम्हें भी दो आप ऊपर नारे लगाओ, नारे नारे। We want separate, we want separate, we want separate, we want Mahabuddhi, we want Mahabuddhi, we want Mahabuddhi, we want Mahabuddhi। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, जान मिलेंगे, खून मिलेंगे, जान भी देंगे, खून भी देंगे। बाबा साहब अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर की, भगवान बुद्ध की, पूज्य भंते ज्ञान ज्योति की, इच्छु संघ का। दोस्तों यहाँ हमारे बीच केपी चौधरी साहब है, उपेंद्र जी शिंदे है, एडवोकेट किरण कोबी जी है, साथ में हमारे आरती जी है, साथ में हमारे लखनऊ से आए हैं हमारे प्रोफेसर साहब है। अभी ये सब लोग इस कानून की मांग को लेकर आगे जो हमें करना है, हमारा डेपुटेशन यानी फिर से हम भीम दया सागर बोल सके, सुनील बोल सके, भाई साहब भाई के बोल सके और डॉक्टर पी एस बोल सके, पी एस बोल तो भोपाल के हैं,
डॉक्टर जयसागर बोर्ड लखनऊ से है, भाई के आनंद दिल्ली से है, और ऐसे ये चार लोग हमारा निवेदन, ये हमारा जो बिल है दोस्तों ख्याल में रखो, तुम बहुत बड़ा हम सोचते हैं, लेकिन कानून बनाना तो ही मजाक की बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर बैरिस्टर नहीं रहते, कानून का पंडित नहीं रहते, तो संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को इनवाइट निमंत्रित नहीं करते थे। इसलिए हमें आज समाज को लीडर की गरज नहीं, हमारे समाज को आज दोस्तों कानून बनाने वाले लीडर की गरज है। बाबा साहब प्रेम थे, कानून के जानकार थे, कानून के पंडित थे, इसलिए हम सबको हक मिला। बाबा साहब अम्बेडकर श्रीलंका फेडरेशन के बहुत बड़े नेता थे, इसलिए संविधान सभा में बाबा साहब को वो कुर्सी नहीं मिली। वो कुर्सी मिली जब संविधान सभा तैयार हुई, और तैयार होने के बाद संविधान सभा में एक ड्रॉ बन चुका था, संविधान का ड्रॉ बन चुका था। अरे वो ड्रॉ कच्चा ड्रॉ था, कच्चा मसूदा था, और उस कच्चा मसूदा को कानून की परिभाषा में बिठाने के लिए इस देश में कोई भी कानून का विद्वान नहीं था, संविधान सभा में कोई भी कानून का विद्वान नहीं था। और इसलिए दोस्तों पंडित नेहरू अमेरिका गए, और अमेरिका जाके सर आवर जेनिंग को मिले। सर आवर जेनिंग वो अमेरिका का कानून का अभ्यासक था, जेनिंग को मिले और हाथ जोड़ रहे कि जेनिंग साहब हमारा देश का संविधान बनाना है, देश का संविधान हमें ग्रहण करना है, हमारे देश में कोई भी कानून का अभ्यासक नहीं है, विद्वान नहीं है। तब जेनिंग ने बोला, मिस्टर नेहरू आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मालूम नहीं किया है। जेनिंग ने बोला, अमेरिका के जेनिंग ने बोला, मिस्टर नेहरू आपको बी आर अम्बेडकर मालूम नहीं किया, और आप अम्बेडकर साहब के पास जाओ और अपने देश का संविधान बनाओ। तब इस देश के पॉलिटिशियन बाबा साहब के पास आए, और फिर तो बाबा साहब थे। उनकी पहली लड़ाई थी कि मैं मेरे जात के लिए कुछ काम करूंगा, अधिकार दूंगा। जब दोस्तों संविधान बनाने का उनको काम मिला, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, तब उनके दिमाग में रस्ते पर का जो सामान्य आदमी है, कॉमन पीपल, उन्हें जात नहीं, धर्म नहीं, पंथ नहीं, वो कॉमन है, वो कॉमन पीपल के लिए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस देश का संविधान? रस्ते पर जीने वाले आदमी को सम्मान देने के लिए बना है, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा नहीं है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? इस देश के लोगों के पिता है, फादर ऑफ द पीपल। ये हमको बता रहा है, ये मोदी को बता रहा है, ये मोदी को बता रहा हूं, आरएसएस को बता रहा है। आज तुम्हारा आदमी जो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, वो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, और वो प्राइम मिनिस्टर को हम बता रहा है कि बाबा साहब के संविधान का आर्टिकल 12 जरा पढ़ने का काम करना, आर्टिकल 12 पढ़ने का काम करना। यू आर अंडर द स्टेट, आर्टिकल 12 क्या बोलता है? यू आर अंडर द स्टेट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, दैट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट। मोदी साहेब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देश को चलाने का काम करना, हम कॉन्स्टिट्यूशन का अभ्यास करके यहाँ आए हैं। अगर आपने हमारे अधिकार के बिल को डिनाय किया, हमारा अधिकार नकारने की कोशिश की, बाबा साहब की शपथ है, बाबा साहब के संविधान की शपथ है, तुम्हारी सरकार ये अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारी सरकार अगेन द सेक्युलर स्टेट है, तुम्हारी सरकार अगेन द आर्टिकल 25 आर्टिकल के खिलाफ है। ये कारण लेके तुम्हारी गवर्नमेंट शुड बी डिसॉल्व, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए,
ऐसा भी हम इंजेक्शन देने के लिए यहां तैयार हैं। अब तुम देखो, आपकी सरकार आपको बर्खास्त करना है कि हमारे भंतेजी आज हमारे भंतेजी पूरे देश से आए हैं। मुझे ऐसा लगता कि जंतर मंतर पर आज पहली बार देश के पूरे भंते आज कितने बंदे पूरे पता नहीं। आज केपी चौधरी साहब का तो आप उनको बताएंगे, उनका बहुत बड़ा काम है। ये जो लोग आए हैं ये सोशल लोग हैं, हमें सोशल लोगों को ही ये करना है और तभी हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा। इसलिए अभी मैं आपको यहां मैं रुकता हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी हमारे जो माननीय है उनका भाषण होगा। राजेंद्र गोपाल गौतम जी यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे दिल्ली सरकार के मिनिस्टर है वो निकल चुके हैं, तो यहाँ चार पांच भाषण हो जाएंगे। बाद में आखिर में सबका आपको मैं सवाल करूंगा। तब तक हमारा जो डेकोरेशन गया है, जो सिस्टम बना गया है, तब तक वो सिस्टम बना आएगा और बाद में जो कुछ भी चर्चा है, आगे की चर्चा है, वो चर्चा हम करेंगे, आगे का आंदोलन हम यहाँ बताएंगे। और जब तक आगे का आंदोलन हम नहीं बताएंगे तब तक आपको यहाँ से हटना नहीं। मंजूर हो गया? चलो जय भीम, नमस्कार, धन्यवाद।